राम राम। स्वागत है आप सब हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। मैं आज आपने भादवारी चौथ कथा सुनाऊंगा और आ कथा मैं आज आपने मारवाड़ी में सुना रही हूँ। मारका ने एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई होती कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में आ कथा सुनाओ, तो उन रिक्वेस्ट माते मैं आज वो वीडियो बनाया हूँ। यदि आपने मारो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक जरूर कर जो, और यदि आप हमारे चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। तो आओ हमारे कथा सुना। एक माँ बेटा होता, बेटा रो नाम हो ग्वालियो। बेटो जंगलू लकड़िया लावतो और वो बेचतो, उन लकड़ियों बेचने वो घर रो गुजारो चलतो। माँ बेटा ने दीर्घ आयु वास्ते चौथ माता रो व्रत राखती। बेटा जंगलू लकड़ियों लावतो, माँ उन गठों मुँह दो लकड़िया काटन अलग राख देती और चौथ आले दिन लकड़िया बेच पूजा रो सामान लावती। पूजा करने चूर मारा पांच लाडू बनावती, एक लाडू गणेश जी रो, एक चौथ माता रो, एक पूरो प्रसाद बांटती, एक बेटे ने देवती और एक खुद खावती। एक दिन चौथ रो व्रत आयो, बेटो पड़ोसी रे घर गयो। पड़ोसन चूरमो बनावती, बेटो पूछियो आज काई करो हो। पड़ोसन बोली आज चौथ रो व्रत है जिको चूरमा करा हा। मैं तो आज चूरमो करियो हो, पर थारी माँ हर महीना चौथ रो व्रत कन चूरमो करे। तू जो लकड़िया लावे रोज उनमु दो लकड़िया छिपान राख दे, उन्हें बेचन थारी माँ हर महीने चूरमो करे। बेटा ने पड़ोसी की बात लाग गई। वो मां ने आन कियो, मैं इतनी मेहनत तू लकड़िया लाऊं और तू उनमु लकड़िया चुरान, तू चौथ माता रो व्रत रो नाम कर चूरमो बनावे खावे। या तो तू मने छोड़ दे या चौथ माता रो व्रत छोड़ दे। माँ कहियो मैं तो चौथ माता रो व्रत करूँ, मैं तो चौथ माता ने कोनी छोड़ सकूँ। इतो सुन बेटो घर छोड़न जावन लागो। जद माँ कहियो बेटा तू घर छोड़ मत जा, तो बेटे कहियो ना मैं घर छोड़ जाऊँ। बेटा तू जावे तो है, पर मारा हाथ रा पूजा रा चौथ माता रा आखा ले जा, एज अड़ो माँ कहियो। जट थारे विपदा आवे उठे चौथ माता रो नाम लेन आखा गाड़ दीजे, थारा काम आसान हो जाए। बेटो मन में कहो आ बात है तो झूठी, पण आखा ले जावण में आपनो कई जावे। आखा लेन बेटो आप रे घरू निकलियो तो रास्ता में नदी दे बेवती देखी। नदी देखी तो उन मन में डर गयो कि अब आगे किकर जाऊं, पर मारी बात आ गई याद और चौथ माता रे नाम रा आखा नदी कने बूर दिया। जो नदी कने आखा बूरिया नदी सूगी और ग्वाले ने रास्तो मिल गयो और आगे गयो तो आगे घनो जंगल, घने जंगल में शेर चीतल डरावनी आवाज रू गावालियो, फिर डर गयो। वटे भी चौथ माता ने याद करियो और चौथ माता तू साची होवे तो मारे रास्ते में आवड़ो हैंग विघन मिटा दीजे। इतो कहते उन्हें तो मन रो डर सारो गयो और वो आगे चाल तो गयो। आगे जाप तो गयो तो वटे एक राजा की नगरी आई। उन नगरी रो राजो महीने में एक बार बारी बारी सु एक आदमी री बलि देवी ने देव तो। जरा बेटो एक घर में गयो तो उठे एक बुढ़िया रोवती, बुढ़िया रोवती जावती लाडू बनावती जावती। जना ग्वालियो उन बुढ़िया मां ने पूछियो आप रोवो क्यों हो और कई दुख है। जद बुढ़िया माँ कहो आज मारे पोता री गांव में देवी री बलि देवन री बारी है, राजा उन्हें लेन जाई बलि हरू, उरे वास्ते लाडू करूं और मन में पोता रे मरने रो दुख हो रियो है। जदे वो बेटो बोलियो ए लाडू सारा मने खवा दीजे और पोता रे बदले राज रा आदमी आवे तो मने जावन दीजो, मैं बलि रे वास्ते जाऊं, पर आप रो मती। आधी रात रा राजा रा आदमी आया और ग्वालियर सिपाही रे साथे गयो, परो सिपाही रा आदमी उन देवी रे कुमार रे आवा में चुना दियो। ग्वालियो तो वठे भी मार आशीर्वाद सुदियो, चौथ माता रा आका बड़ी सदा सुबुर ने चौथ माता ने याद करने कहो कि आप मारा इतना संकट पार करिया, आगे भी आप मारा संकट काटिया हो तो अब भी मारा वो संकट काट दीजो, और हेंगू मोटो संकट है। तीन दिन में ही आप वो पकड़ तैयार हो गयो। गांव रा तीन चार घटरा टाबर खेलता खेलता आया, कंकर आए ने आवरिया लागियो, आवा में से आवाज आवन लगी। सारा टाबर जान राजा ने खबर करी, थार आवा मुँह तो आदमी आवाज आ रही है, तीन दिनों में आवो क्या पक गयो, इन्हें पकता ने तो छह महीना लागे। राजा और राजा आदमी आन देखियो तो सोना चांदी रा कलश तैयार हो गो। राजा रस्से पाई कलश उतारन लागा तो आवा मायनुसू ग्वालियो बोलियो कलश धीरे धीरे उतार जो, अंदर मिनक बैठो है। राजा रा आदमी तो डर गया, मायने भूत प्रेत कठे सु आयो। जट ग्वालियो बोलियो मैं भूत प्रेत कोनी हूं, मैं तो गांव रो ही छोरो हूं। राजा रा सिपाही आवो खोलन देखे तो मायने एक छोरो पालती मान बैठो हूं। उन्हें पूछो भाई तू कौन है और कठे सु आयो है। जद ग्वालियो सारी बात बताई कि मारी माँ चौथ माता रो व्रत करे जिन्हें प्रताप सु मैं बच गयो। राजा कहो कि इन साची बात रे वास्ते मैं थारी परीक्षा ले लूं।
मैं तारा हाथ पांव साकल से बांध दूं, अगर थारी और थारी चौथ माता साची हुई तो तारा हाथ पांव साकल खुल जाए और मारा हाथ पांव आते बन जाए। ग्वालियर तो चौथ माता आका हाथ में लेन उठे मूर देवे, आका मूर दे ग्वालियर हाथ पांव खुल जावे और राजा हाथ पांव साकल से बन जावे। राजा तो खुद भी चौथ माता रो परचो साचो मानन लागगा, आपरी बेटी रो ब्याह ग्वालियर सु कर दियो और बिना आप रो घर जवाई बना दियो। एक दिन ग्वालियर आपरी लुगाई लेन गांव में मासु मिलन गयो। गांव में घुसते ही पड़ोसी ग्वालियर की माँ ने कहवे ने कहवे देख थारा बेटा बहु आया। माँ कहवे मारा एडा कठे दिन माना कि मारा बेटा बहु सो छुक देखो, मारा बेटा ने तो सिखाने गांव में बाहर भेज दिया। पड़ोसन बोली लारे फेर देख मैं झूठ को नहीं बोलू, माँ लारे जो इन देखियो तो बेटा बहु दिखिया, बहु सास रे पगे लागी, सास बेटा बहु ने घणो घणो आशीर्वाद दियो, बेटो माँ ने चौथ माता रो घणो परचो बतायो। जद माँ सारा गांव में हेरो फेरियो कि बेटा री माँ धनी री देरानी सब कोई 12 महीना रे चौथ रो व्रत कीजो, कोई 4 कीजो कोई 2 करजो, 2 नहीं तो 1 कर जरूर जरूर करजो। हे चौथ माता माने तू टूटी जड़ी सबने टूट जाए, खोटी की करी अधूरी की पूरी। अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ने लाइक जरूर करजो। धन्यवाद।